नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों से हम बात ये जाने शू शॉप का बिजनेस कर कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये बिजनेस होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडिया टेक्नोलॉजी बेस्ड मेकिंग एल टी जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बस आइडिया की नहीं बल्कि एक रियलिटी की बात करेंगे, कैसे बिजनेस किया जाता है और कैसे बिजनेस प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़माना तेज़ी से मॉडर्न और फैंसी होता जा रहा है और युवाओं में नए नए कपड़े जूते पहनना अच्छा लगता है, और ऐसे में बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ ये सब ऑनलाइन भी मिलता है, और मार्केट में बहुत सी ऐसी शॉप है जहाँ पर सिर्फ इसी का बिज़नेस होता है और वे हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। लोग पैसों की परवाह नहीं करते हैं, बस अच्छा रहना अच्छा पहनना चाहते हैं। इसमें कंपटीशन होने के कारण मार्जिन भी अच्छा होता है। बहुत सी कंपनियाँ हैं मार्केट में जो फैशन के दौर में चल रही है। हम बात कर रहे हैं शूज़ के बिज़नेस की। इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और बहुत सी कंपनियों के शूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इसी का बिज़नेस कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कैसे होगा ये बिज़नेस, इसके लिए आपको एक शॉप की ज़रूरत होगी जो कि मेन मार्केट मेन रोड पे हो, जहाँ भीड़ रहती हो। आप शॉप रेंट पे भी ले सकते हैं, अगर आपकी अपनी शॉप है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी। इससे आप शॉप का फर्नीचर जैसे रैक काउंटर चेयर आदि बनवा सकते हैं, और आप ग्लास डोर भी लगवा सकते हैं। आप 1 से 2 हेल्पर भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको माल अपनी ही सिटी में मिल जाएगा शूज़ के होलसेलरों से। इसमें आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के शूज़, स्लीपर, लेडीज़ शूज़, बच्चों के शूज़ और कैजुअल शूज़ और फॉर्मल शूज़ आदि लेने होंगे जो कि अच्छे और ब्रांड के हो। इसके लिए आपको होलसेलर को कुछ पेमेंट देनी होगी, फिर आप माल उठा सकते हैं। बाकी पेमेंट आप माल बिकने के बाद कर सकते हैं। अगर आपकी सिटी में होलसेलर नहीं है तो आप बड़ी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर आदि से ला सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी शॉप का अच्छा सा नाम रखना होगा और मॉडर्न नाम रखना होगा। जब भी कस्टमर आए तो कस्टमर से प्यार से बात करें और कस्टमर जैसा बोलता है वैसा ही शूज़ दिखाएं। हर कंपनी का अलग अलग मार्जिन होता है, तो आप ये सब लिख कर रखें, अपने प्राइस फिक्स रखें। इसके साथ साथ आप बेल्ट और पर्स भी रख सकते हैं। यकीन माने दोस्तों, बहुत मार्जिन होता है। कस्टमर से बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ना करें, ग्राहक भगवान का रूप होता है। इस तरह आप सब खर्च निकाल कर हर महीने 30 हज़ार से ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों ये बातें, कस्टमर से प्यार से बात करें, गारंटी वारंटी बिल पर जरूर लिखें और कस्टमर से साइन जरूर लें। पेमेंट का पूरा ध्यान रखें, बिल पक्का बनाएं, जूतों का प्राइस फिक्स रखें, माल की फाइल मेंटेन करके रखें, लेडीज़ शूज़ स्लीपर रिस्पेक्ट से दिखाएं। माल बिकने पर होलसेलरों के पेमेंट जरूर करें, हेल्परों को सैलरी टाइम पर दें, अच्छी क्वालिटी का माल रखें और शॉप को साफ़ सफाई से रखें। बाकी सब आप जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो के पसंद चैनल को आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।